सुप्रभात प्यारे बच्चों हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है पिछली कक्षा में हमने अव्य पढ़ा था के अंतर्गत अव्यगत में हमारा क्रिया विशेषण हमने पढ़ा था तो क्रिया विशेषण में हमने आपको बताया था कि आपको क्या क्या बताना होता है अव्य है उसका भेद उसका विशेष क्रिया किस क्रिया की विशेषता बताता है विकार हो तो वो भी बताना पड़ता है कोई संबंध हो तो वो भी बताना पड़ता है अगला आपका है संबंध बोधक जिसमें आप बताओगे कि ये अव्य है उसका भेद किन पदों किन पदबंधो पद उपवाक्यों आदि का संबंध दर्शा रहा है और तीसरे नंबर पर आ जाता है समुचे बोधक फिर उसमें भी आप बताएंगे कि अव्य है भेद समानाधिकरण है या व्यधिकरण है उसका लिंग वाक्यांश आदि को जोड़ता है विस्मय आदि बोधक में भी आप बताएंगे कि अव्य है भेद फिर भेद में भी हर्ष सूचक है शोक सूचक है या विस्मय सूचक है या कोई संबंध हो तो और निपात में आप बताएंगे कि ये अव्य है ये निपात है ही भी तो चलिए संबंध बोधक पहले जानते हैं संबंध बोधक क्या है बच्चों संबंध बोधक अव्य वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त तो होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं जैसे के साथ के सामने में पर के बारे में से पहले के अलावा आदि अब यहाँ पर देखिए आपके घर में एक चोर घुसा है तो आपके घर में एक चोर घुसा है इसमें मेरे खांकित किया गया है हम क्या कहेंगे हम कहेंगे ये अव्य है अव्य में ये क्या है अव्य के अंतर्गत ये हमारा संबंध बोधक है संबंध बोधक में इसका कार्य क्या है घर और चोर इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है मे शब्द ठीक है तो ये आप इस तरीके से इसका पद परिचय दे सकते हैं अगला उदाहरण देखिए पोस्ट ऑफिस के सामने भीड़ जमा हो गई है तो के सामने के सामने क्या है संबंध बोधक है ऑफिस और भीड़ के बीच में संबंध बताने का कार्य कर रहा है तो मैं लिखूंगी आविकारी है आविकारी में अव्य है अव्य में ये हमारा संबंध बोधक है संबंध बोधक के अंतर्गत ऑफिस और भीड़ संज्ञा शब्दों के बीच संबंध बताने का कार्य कर रहा है के सामने छत पर एक पलंग पड़ा हुआ है छत और पलंग के बीच संबंध बता रहा है पर शब्द जो है समुच्चय बोधक जो है सॉरी संबंध बोधक जो है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अव्य है अव्य में संबंध बोधक है छत और पलंग संज्ञा शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपने समझा कि संबंध बोधक किसे कहते हैं और इसे आप पद परिचय के अंतर्गत कैसे हल कर सकते हैं तो आशा है आप यहाँ तक समझे होंगे और अगली कक्षा में समूचे बोधक के साथ फिर मिलेंगे धन्यवाद